नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा में चोरी का एक अनोखा मामला निकल कर सामने आया है। चोर किस वजह से पकड़े गए सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दरअसल बिछिया मोहल्ले के तीन लड़कों ने, मोहम्मद मुबीन, गोविंद और रफीउल्ला ने बकरियां चुराने का निश्चय किया और पहुंच गए शारकिन के पास अमवा मोहल्ले में। अमवा गांव में एक घर में उन्होंने तीन बकरियां चुराई और सफलतापूर्वक अपने घर वापस लौट आए। बस सुबह उठते ही एक चोर की नज़र अपने पैर पर पड़ी। उसके पैर पर दूसरे चप्पल थी जो उसी गांव में, उसी घर में, जिस घर में उसने बकरियां चुराई थी वहां से उसने पहन ली थी। उसको लगा चप्पल की मदद से पुलिस उनको पकड़ लेगी। दूसरे दिन चोर अपनी चप्पल बदलने उस गांव पहुंचता है। जैसे ही वह गांव में दाखिल होता है, जिसके घर में उसने बकरियां चुराई थी एकाएक सामने आ जाता है, अपनी चप्पल चोर के पैर में देखता और कहता है, तुमको ये चप्पल कहाँ से मिली? डर के मारे चोर वहीं पर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। गांव वाले लाख उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उतरता। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, चोर को नीचे उतारती है। पूछताछ में तीनों चोर पकड़े जाते हैं, तीनों बकरियां बरामद हो जाती हैं। चोर को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। पूरे मामले को लेकर TI चोराटा ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। अभी हमको क्या रात्रि में सूचना आई थी कि कुछ बकरी चोर जो है घर में घुसकर बकरी चुरा रहे हैं। इस संबंध में तत्काल पुलिस पार्टी भेजी गई, जहाँ पर एक व्यक्ति को वहाँ पर रंगे हाथ पकड़ा गया था और उसको पकड़ने के उपरांत फिर हमको एक और जानकारी मिली कि कोई एक व्यक्ति पेड़ में चढ़ा हुआ है उसका साथी। हमने फिर दोनों को अरेस्ट किया उसमें और फिर उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो उनका एक और तीसरा साथी है रफीउल्ला, उसको भी हमने पकड़ा है। ये सभी सिटी कोतवाली के हैं और इनके ऊपर मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और तीनों लोग अभी आरोपी को जेल भेज दिया गया। बकरी चोर गैंग में कौन कौन आरोपी हैं? तीनों जो मैंने आपके नाम बताए, रफीउल्ला और मोहम्मद और मुबीन और गोविंद, ये तीनों बकरी चुराने गए थे, जहाँ पर तीन बकरियाँ इन्होंने चुरा ली थी और हमने बरामद भी कर ली है, पहचान कार्रवाई भी करा ली है। वो उसी यादव की निकली हैं जिसकी ये बकरी चुराए थे और उसमें एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। वापस कैसे पहुंचे? उनकी भाग दौड़ में कुछ उनकी एक आध चप्पल छूट गई थी, तो चूंकि पुलिस उस बेस पे भी उनको पकड़ ली थी इसलिए डर के कारण वो अपनी चप्पल भी उठाने के लिए आया था, उसी समय पुलिस ने उसको रेड कार्रवाई कर पकड़ा। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।